आज जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं उसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और यदि ऐसा हो रहा है तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत या तो चल रही होगी या फिर सामने आने वाली है। और यदि एक छोटा सा बदलाव यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। अब वो बदलाव क्या है और कौन सी वो चीज है, आइए इसे समझते हैं। एक लड़का है जो कि एक लड़की को बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा है, मतलब मन ही मन चाहने लगा है, लेकिन उस लड़की को ये बात पता नहीं है। अब होता यह है कि लगभग 3-4 बजे के करीब वो हर रोज स्कूल से आता है और 5 बजे का जो समय है वो फिक्स है कि वो अपने घर से निकल जाएगा उस लड़की को देखने के लिए उसके घर की तरफ। 5 बजे वो उसके घर की तरफ बढ़ता है। अब कभी वो लड़की उसे दिख जाती है और कभी नहीं दिख पाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लड़की उस लड़के को देख लेती है और कभी कभी वो स्माइल भी पास कर देती है, और लड़के को लगता है कि ये लड़की जो है उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है, या जैसे वो उसे पसंद करता है उस हिसाब से वो लड़की भी उसे पसंद करती होगी। और लगभग 1 साल तक ये सिलसिला जारी रहता है। हर रोज वो लड़का 5 बजे उस लड़की के घर के लिए निकलता है और उसे देखने के लिए वो सारी चीजें करता है जो उसे करना पड़ता है, और उसमें चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे बरसात पड़ रही हो। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि उसके पिताजी से उस लड़के को बहुत डर लगता था, लेकिन उसका भी सामना वो बहुत अच्छे से करता था, और कुछ भी हो जाए वो 5 बजे हर रोज निकलता था। अब 1 साल के बाद उसने सोचा कि यार ये लड़की बहुत अच्छी है और मुझे इसे प्रपोज कर देना चाहिए, और ऐसा ही वो करता भी है, उस लड़की को प्रपोज कर देता है। लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि तेरी औकात नहीं है मुझे प्रपोज करने की, मुझे बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करता है। और ये कह के वो लड़की उस लड़के के जीवन से चली जाती है। वो लड़का घर आता है और बहुत रोता है, परेशान होता है कि यार मैंने जिस लड़की को 1 साल दिया है उस लड़की ने मेरी औकात मुझे याद दिला दी कि मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन वो थोड़ा सोचने की कोशिश करता है कि कई लोग समझाते हैं कि इस नेगेटिविटी के अंदर भी पॉजिटिविटी होती है, तो इस 1 साल में मेरे साथ क्या पॉजिटिव हुआ, क्या ऐसी चीज है जो मुझे यहां से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस लड़की को थोड़ी सी बात समझ में आई कि हर रोज 1 साल तक मैं 5 बजे जैसे ही 5 बजता था मैं उस लड़की को देखने के लिए निकल पड़ता था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धूप पड़ रही हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, चाहे बरसात हो रही हो, या कुछ भी कंडीशन आ जाए, मैंने 1 साल तक हर रोज 5 बजे उस लड़की को देखने के लिए मैं निकलता था घर से, और ये मैंने कभी छोड़ा नहीं। इसका मतलब उसे एक बात समझ में आई कि यहां पर एक स्किल जो मेरे अंदर डेवलप हो चुकी है, और वो स्किल है डिसिप्लिन की स्किल। उसे तुरंत ये बात समझ में आई कि मेरे साथ चाहे कुछ भी हो गया है, लेकिन मेरे अंदर एक चीज तो आ गई है कि मैं किसी भी चीज में डिसिप्लिन हो सकता हूं। पहले मैं उस डिसिप्लिन को गलत जगह पर यूज कर रहा था, मतलब 5 बजे का समय मैं कोई चीज कर तो रहा था लेकिन वो किसी और इंसान के लिए कर रहा था। अब मुझे वही डिसिप्लिन यूज करना है अपनी लाइफ के अंदर, अपने मकसद के लिए, उसे पाने के लिए उस डिसिप्लिन का यूज करना है। और उसने वही किया। हर एक दिन वो सुबह 5 बजे उठता और अपने काम में लग जाता। पूरा 1 साल गुजर चुका था। 1 साल के बाद वही लड़की किसी लड़के के साथ एक बाइक पर बैठकर एक मॉल में घूमने के लिए गई। मॉल के बाहर उसने एक बहुत लग्जरी गाड़ी देखी जो उसकी पसंदीदा गाड़ी थी, और उसे उस गाड़ी के साथ फोटो खिंचाना था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि मुझे इस गाड़ी के साथ फोटो खिंचाना है, आप मेरी एक फोटो क्लिक कर दीजिए। जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की की फोटो खींचने के लिए कैमरा निकाला, वहां पर एक लड़का आया जो कि उस कार का मालिक था। और आपको समझ में आ ही चुका होगा कि ये कौन लड़का था। ये वही लड़का था जिस लड़के को उस लड़की ने उसकी औकात याद दिलाई थी। उस लड़के ने उस लड़की की ओर देखा, मुस्कुराया, उस कार में बैठा और वहां से चला गया। उस लड़के ने सिर्फ इतना सा बदलाव किया था कि उस लड़की के घर जाने वाले डिसिप्लिन को अपने काम के अंदर यूज किया था, और उसका पूरा जीवन बदल गया था। अभी ध्यान से सोचिएगा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा कि आप किसी चीज के अंदर डिसिप्लिन है, मतलब आपके अंदर अनुशासन है, लेकिन उसे आप वहां नहीं लगा रहे हैं जहां पर एक्चुअल में आपको लगाना चाहिए। मतलब वो स्किल तो आपके अंदर है लेकिन उसे आप सही जगह पर यूज नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब यदि आप पूछेंगे कि अनुशासन का असली मतलब क्या है, एक्चुअल में अनुशासन क्या है या डिसिप्लिन क्या है, तो जो रूल आपने अपने लिए सेट किए हैं कि आप ये करेंगे और आप ये नहीं करेंगे, बस इसी के बीच का जो फर्क है उसे कहते हैं आप डिसिप्लिन। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कितने भी लोग बैठकर शराब पी रहे होंगे लेकिन उन्हें जब कहा जाएगा कि आप शराब लीजिए तो वो बिल्कुल मना कर देंगे। इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपने लिए एक रूल सेट किया है,
सिगरेट पीने के समय भी ऐसा होता है कि कई लोग पीते हैं लेकिन एक दो लोग होते हैं जो नहीं पीते हैं और कभी नहीं पीते हैं। उन्होंने अपने लिए रूल सेट करके रखा है कि यदि शराब की बात आएगी, सिगरेट की बात आएगी, तो मैं बिल्कुल भी इसे अपनी लाइफ में इजाजत नहीं देता हूं। मतलब वो रूल है और उस रूल को वो फॉलो करते हैं, इसलिए वो डिसिप्लिन है उस रूल के लिए। आपने भी अपनी लाइफ में कुछ रूल बनाए होंगे और नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए कि मैं ये चीज करूंगा और ये चीज बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और उसे एक लंबी अवधि तक फॉलो करिए। अब उन रूल्स को बनाने के बाद एक लंबे समय तक उस रूल को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपके अंदर धीरे धीरे कैसे डिसिप्लिन आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें करके ही अपने आप को अनुशासित बनाना है या फिर डिसिप्लिन वाला व्यक्ति बनाना है। आप छोटी छोटी सी आदतों को डेवलप करके अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। जैसे सुबह उठने से शुरुआत कीजिए कि यदि आप 8 बजे उठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 7 बजे या 6 बजे उठने का डिसिप्लिन पहले बना लीजिए। यदि आपको लगता है कि आप रात को लेट सोते हैं तो थोड़ा जल्दी सोने का डिसिप्लिन अपने अंदर ले आइए, उस आदत को बदल दीजिए। तो छोटी छोटी सी चीजें करके भी आप अपने आप को डिसिप्लिन बना सकते हैं और अपने रूल्स को सेट करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बस अब आपको एक और बात समझना है कि जहां पर आपको मजा आता है वहां पर डिसिप्लिन बहुत आसानी से फॉलो हो जाता है। जैसे उस लड़के की स्टोरी में वो लड़की उसे बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए उसका 5 बजे घर से निकलना वो फिक्स हो चुका था, क्योंकि उस लड़के को उस लड़की को देखना था और वहां पर उसे मजा आ रहा था, प्लेजर आ रहा था। मतलब जहां पर मजा आएगा वहां पर आप डिसिप्लिन अपने आप हो जाते हैं। लेकिन यदि प्लेजर वाली चीज में आप डिसिप्लिन हो रहे हैं और वो प्लेजर गलत है, तो वो डिसिप्लिन आपका यदि फॉलो भी हो रहा है लेकिन वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। इसे एग्जांपल से समझते हैं कि दुनिया एक ही नियम से चलती है और उसे कहते हैं प्लेजर और पेन का नियम। जहां पर भी इंसान को प्लेजर मिलता है, मतलब खुशी मिलती है, वहां पर वो उस चीज को बहुत ही आसानी से कर लेता है और वहां पर उसे कुछ एफर्ट भी फील नहीं होता है। लेकिन जहां पर भी उसे पेन मिलता है उस चीज को वो अवॉइड करता है, वो हटाने की कोशिश करता है। अब चाहे वहां पर कितना भी फायदा हो रहा हो लेकिन उस पेन को वो अवॉइड करने की कोशिश करता है। अब यदि कोई व्यक्ति आपको कहे कि हर सुबह यदि आप 6 बजे उठेंगे तो आपकी पसंदीदा चीज आपके सामने होगी, जैसे आपकी मिठाई आपके सामने होगी या फिर जो भी चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है वो आपके सामने होगी, तो आप उसे उठने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे, मतलब आपका डिसिप्लिन अपने आप फॉलो हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि रोज सुबह 6 उठने पर आपको करेले का जूस मिलेगा जो कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, तो क्या आप उस डिसिप्लिन को फॉलो कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको करेले के जूस में एक पेन दिख रहा है, इसलिए वो डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन यही चीज है जो आपको करना है और समझना है कि जहां पर बहुत ज्यादा प्लेजर है लेकिन आपको पता है कि फाइनली लंबे समय में ये चीज आपको नुकसान देने वाली है, तो ऐसे प्लेजर में यदि आप डिसिप्लिन हो रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। लेकिन यदि आपको पता है कि ये अभी पेन दे रहा है लेकिन भविष्य में बहुत ज्यादा चीज अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा पेन वाला जो डिसिप्लिन है वो आपके लिए सही हो जाएगा। अब देखिए, सुबह यदि आपको 5 बजे उठना है और उसमें पेन हो रहा है तो वो थोड़े समय का पेन है, लेकिन वो डिसिप्लिन लंबे समय के लिए आपकी लाइफ को बदल के रख देने वाला है। तो अपनी लिस्ट बनाइए कि कौन से रूल्स आप अपने जीवन में चाहते हैं और उसमें थोड़े दिन डिसिप्लिन होने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं हो पा रहे हैं तो गो बैक कीजिए, देखिए कि कौन सी चीज डिसिप्लिन होने से रोक रही है, उस हर्डल को हटाइए और फिर से डिसिप्लिन होने की पूरी कोशिश कीजिए। और ये फॉर्मूला डिसिप्लिन का आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में काम में आएगा, इसलिए इसे आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आशा करता हूं कि छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़ी कामयाबी लेकर आएगा, इसलिए इसे फॉलो जरूर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।